हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आपका भाई रोहित सिंह, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपको किया सेल्टोस HTX वेरिएंट में जो स्क्रीन में फीचर्स मिलता है, आज हम उसे प्रैक्टिकली एक एक चीज देखने वाले हैं कि जो इसमें फीचर्स मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम स्क्रीन को डिटेल में देखते हैं तो देखिए, ऊपर में आपको टाइम दिखता है, डेट दिखता है, और यहाँ पर देखिए नेविगेशन दिखता है, जो आपका USB जो लगा हुआ है उसका दिखता है। अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो यहाँ ब्लूटूथ लिखा हुआ आएगा, और ये जो आपका कंपास है। तो ये चीज़, तीन चीज़ आपको जो है स्क्रीन में देखने के लिए मिलेगा जैसे ही आप स्क्रीन ऑन कीजिएगा। फिर क्या है, देखिए फर्स्ट बटन है सेटअप का, दूसरा स्टार है, तीसरा मीडिया है, चौथा रेडियो, पाँचवा नेविगेशन, छठा मैप, सातवां वॉल्यूम अप एंड आठवां वॉल्यूम डाउन, एंड ये जो है ये पावर बटन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से, सेटअप में। तो जैसे ही आप सेटअप को क्लिक कीजिएगा, आपको देखिए ऑप्शन आता है व्हीकल, नेविगेशन, फोन कनेक्शन, UBO सेटिंग, एडवांस, जनरल, साउंड एंड डिस्प्ले। तो देखिए व्हीकल सेटिंग में वही है नॉर्मल, जो आपका व्हीकल का सेटिंग है, लाइट है, डोर है, क्लस्टर है, कन्वेंशन, क्लाइमेट है और रीसेट है। जो आपका व्हीकल का जितना भी सेटिंग वगैरह है, जैसे कि जो हम लोग अनलॉक और लॉक करते हैं, तो ये जो मिरर का ऑटोमेटिक फोल्ड होना, प्लस वो जो साइड मिरर है उसका फोल्ड होना, तो ये सब जो फीचर्स है ये आप ऑन ऑफ इसमें कर सकते हैं ये वाले सिस्टम पे। दूसरा हम आते हैं नेविगेशन। तो नेविगेशन वही नॉर्मल है, जो आपको जहां पर जाना है आप नेविगेशन लगा लीजिए। फोन कनेक्शन में जाते हैं तो वही आपको ब्लूटूथ और जो भी कनेक्शन है वो आपको हो जाता है। UBO सेटिंग में UBO एक ऐप है जो आपको फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, और उससे लॉगिन करके सेटअप करके जो भी आपका कार का व्हीकल का जितना भी जानकारी है, जितना भी ये है, वो आपको फ़ोन पे दिखेगा कि कितना चल रहा है, AC ऑन है या ऑफ है। तो यहीं सब आपको सिस्टम इसमें दिखेगा। एडवांस में बात करें तो एडवांस में अगर हम देखते हैं तो वही है, रिटर्न टू मैप ऑफ करना है या सेकेंड में करना है, 20 सेकेंड, कस्टम बटन है, होम स्क्रीन है, जितना भी मतलब स्क्रीन का जो भी फीचर है थोड़ा मोड़ा वो इसमें आपको आता है। जनरल में बात करें तो देखिए जनरल में आपको वही GPS टाइम वगैरह, डेट टाइम, लैंग्वेज, यूनिट, स्क्रीन सेवर, सिस्टम इनफो, जितना भी सिस्टम से रिलेटेड है वो आपको इसमें मिलेगा। फिर हम देखिए साउंड में बात करते हुए, साउंड में जितना भी आपका म्यूजिक रिलेटेड सेटिंग है, जैसे वॉल्यूम लेवल, इक्वलाइजर, वॉल्यूम रेशियो, नेविगेशन वैल्यू, जो आपका साउंड जो है वो आपको फ्रंट सीट पे करना है, सेकंड सीट पे करना है या सेंटर पे रखना, तो ये सब जितना भी सेटिंग है ये आपको साउंड में मिलता है। तीसरा डिस्प्ले का बात करें तो डिस्प्ले में वही आपका डिमिंग जो है, ब्राइटनेस लेवल है, ये सब जो रेशियो है ये सब आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड बात करें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का, तो वॉइस में यही है जो हम लोग बोलते हैं हेलो किया या ये सब, तो उसका सेटिंग यही सब में है। सेकेंड आप देख रहे होंगे ये स्टार, ये जो स्टार आपको दिख रहा है ये है स्मार्ट प्योर एयर का बटन ऑन ऑफ करने का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी ऑफ है, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा यहाँ देखिए ऑन हो जाएगा, और आपको दिख रहा होगा पीछे वाले डिस्प्ले में, ये देखिए ऑन हो रहा है। तो ये जितना रहता है ये आपको इसमें दिखेगा। और फिर आपको देखिए यहाँ पर इसका टोटल जितना है, परफ्यूम लेवल हो गया या प्योर एयर हो गया, जितना भी जो भी रेशियो है नंबर में वो लिखा रहे, ठीक है, इसे हम ऑफ कर देते हैं। सेकंड में आते हैं मीडिया में, तो मीडिया में वही कंट्रोल रहेगा, जो भी आपका USB का सॉन्ग वगैरह रहेगा, फिर से जो भी आपका मतलब जितना फाइल रहेगा वो इसमें शो करेगा। रेडियो वही है सिंपल जो आप जानते हैं, नेविगेशन भी वही है, जब आपको GPS वगैरह डालना है उसमें आप अपना डालिए, सेट भी करके रख सकते हैं एड्रेस में, सारा चीज़ किया डीलरशिप, पेट्रोल पंप, इसमें सारा चीज़ पहले से रहता है। मैप में आपको वहीं क्लियर यहाँ का सारा चीज़ दिखेगा। सेकेंड हम बात करते हैं वॉल्यूम अप डाउन, गाना में आपको यहाँ पर कोई भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बटन नहीं मिलता है वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने का, ये आपको स्क्रीन में ही कंट्रोल दिया गया है, वॉल्यूम अप डाउन एंड जो पावर बटन है उस। तो यही ओवरऑल था स्क्रीन का आपका फीचर, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ हाईटेक या कुछ नहीं है। मेन्यू में भी आप देख सकते हैं, यही है एडिट आइकन्स और ये जो रहता है विड्थ, यही सब आप इससे मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है। नीचे आपको वहीं एसी कंट्रोल वगैरह, ब्लोअर स्पीड बढ़ाने घटाने का, रियर फ्रंट ऑफ, यहीं इतना ही है। और यहाँ आपका ऑटो भी इसमें मिल जाता है एसी, तो यहीं था नॉर्मल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।